एट एट द लोटसिट ऑफ माई बिलवेड फादर भगवान श्री सत साहेब बाबा सा हमारी फैमिली काफ़ी रिलीजियस फैमिली थी हर हिंदू फंक्शंस हमारे घर में होती थी चाहे नवरात्रे हो या जो भी कुछ हो सत्यनारायण की कथा हो जो भी कुछ हो हमारे घर में होती रहती थी मगर हम लोग कोई एटलीस्ट मैं पर्सनली कोई स्पिरिचुअल इंक्लाइन पे नहीं था रिलीजस थे ज़रूर स्कूल जाने से पहले मंदिर जाना है और पंडितों का खाना घर में होता रहता था ऐसे चलता रहता था मेरी अपनी लाइफ बाईस तेईस साल के बाद थोड़ी सी गड़बड़ में थी इन दी सेंस कि मैं ड्रिंकिंग स्मोकिंग और वर्ल्डी लाइफ में आउट गोइंग पार्टी लाइफ में बहुत इन्वॉल्व हो गया था मैं स्कूल के बाद इंग्लैंड गया पढ़ने वहाँ पे भी लाइफ का वही करैक्टर चलता रहा जबकि मेरी शादी हुई शादी के बाद भी माहौल वही चलता रहा मेरा वातावरण घर में वैसा ही बना लिया था कि पार्टी हो और इन्जॉय माई लाइफ एटीट्यूड थी उन्नीस सौ में ए, ए, मेरे को आई थिंक इट वाज अक्टूबर अक्टूबर '71 में मेरे गले में कुछ बहुत पेन होने लगा और कई बारी मैं किसी से बात करता था तो मैं सोचता था मेरे बात हो गई है मगर उसको आवाज़ नहीं सुनाई देती थी कुछ ना कुछ मेरे गले में प्रॉब्लम थी बहुत डॉक्टरों को कंसल्ट किया सीनियर मोस्ट डॉक्टर होते थे उन्हें भी दिखाया सब ने कहा कि आपकी वोकल कॉर्ड में ग्रोथ हो गई है और उसका ऑपरेशन होना ज़रूरी है लोगों ने यह भी तसल्ली दी डॉक्टर्स ने कि, कि आप क्योंकि अभी काफ़ी यंग हैं 26 साल के हैं तो हो सकता है मेलिंगन ना हो मेरे को तो उस टाइम पता भी नहीं था कि मलेग्नेंट क्या होता है और कैंसर क्या होता है क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं था और उस टाइम मेरे दो बच्चे थे एक डेढ़ साल का था या एक साल का था एक जब ही हुआ हुआ था तो काफ़ी प्रेशर था फैमिली पे भी और मेरे ऊपर तो बहुत था कि ये अब क्या मुसीबत शुरू हो गई है बट ये सोचते हुए कि ऑपरेशन नहीं कराऊंगा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा रिलेटिवली काफ़ी बोल्ड था मैं तो ऑपरेशन के लिए मैं चला गया और वोकल कॉर्ड पे काफ़ी ग्रोथ थी तो वो फिर डॉक्टरों ने बायोप्सी के लिए भेजा उस टाइम बहुत टाइम लगता था दो तीन हफ्ते लगते थे उसी दौरान उसी पीरियड में हमारी एरिया जहाँ हम रहते थे रहते हैं सुंदर नगर में वहाँ बाबा के भजन होते थे मिसेस सुंदर सिंह के यहाँ जिनको हम बाद में मन्ना आंटी के नाम से पुकारते हैं पुकारते थे अब तो उनकी भी डेथ हो गई है वहाँ मेरी वाइफ भजन में जाने लगी और उसी पीरियड में वो एक फ़ोटो बाबा की घर ले आई और मैं कह सकता हूँ कि वो फोटो के द्वारा बाबा हमारे घर में प्रवेश कर गए अब वो फोटो हमने लगा ली मैं तो खैर मानता नहीं था और मैं अपनी वाइफ़ को भी कई बार कहता था कि ये तो रिच आदमियों के बाबा हैं, हैं? क्योंकि आई हैड नो फेथ मैं भगवान तो उन्हें मानता ही नहीं था बट जब मेरी ये ऑपरेशन के बाद जो ग्रोथ थी वो बायोप्सी के लिए गई तो उस टाइम इतना प्रेशर हुआ तो मैं वो फोटो के सामने कई बारी और मैं शायद ये भी कहने में शर्म नहीं है कि हो सकता है रोज़ प्रे करूं कि अगर तुम भगवान हो तो मेरे को हेल्प करो मेरे थ्रोट को जो ये प्रॉब्लम है इसमें कुछ हेल्प करो खैर दो तो तीन हफ्ते बाद रिपोर्ट आई मिलिंग नहीं था सब चीज भूल गए हम भी ओल्ड लाइफ स्टाइल पर चले गए सिगरेट स्मोक ड्रिंकिंग वगैरह सब चालू हो गई डॉक्टर्स ने उस टाइम ख़ास मना किया कि आपका ऑपरेशन हुआ है अब आप स्मोकिंग बिल्कुल मत करना मगर वो मैं रोक नहीं पाया एटीट्यूड ये था कि अगर हम पियेंगे नहीं और स्मोक नहीं करेंगे तो जीने का क्या फ़ायदा है तो वो मैंने पाँच छः दिन में ही शुरू कर दी थी चलो होती रही 72 में बाबा दिल्ली आए 1972 में और उनका प्रोग्राम रहने का था 16 गोल्फ लिंग में राय बहादुर सोनलाल जी के यहाँ वो उस टाइम बाद में हमें पता लगा दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट थे उनके घर के पड़ोसी मेरे बिजनेस पार्टनर होते थे तो हमें उनकी तैयारी की एक्टिविटी पता थी जिस दिन वो आए आई थिंक 26 मार्च थी आप तो डेट बिल्कुल याद है 26 मार्च थी रात का टाइम था मैं भी वहाँ क्यूरियोसिटी के मारे जा के बैठ गया बिलीव तो करता ही नहीं था बाबा के दर्शन किए लोग बाग कहने लगे कि वो हाथ घुमाते हैं विभूति देते हैं चीज़ें मटेरियलाइज करते हैं बट आए मेरे को कोई विश्वास नहीं था नेक्स्ट डे फिर गया मैं पता नहीं क्या अंदर से हुआ कि मैं फिर दर्शन की लाइन में जा के बैठ गया बट विदाउट फेथ मेरे को फेथ नहीं थी तीसरे दिन फिर चला गया मगर उस दिन मैंने देखा कि लोग बाग एक हाथ में फ़ोटो लेके जा रहे हैं ये भी नहीं पता किया कि किसकी फ़ोटो लेके जा रहे हैं मैं घर आया क्योंकि हम भी गोल्फिंग के पास ही रहते हैं मैं घर आया मेरे लड़के की फोटो थी बड़े लड़के की मैंने वो फ्रेम से निकाली और मैं भी लेके चला गया सब फोटो लेते हैं मैं भी फोटो लेके बैठ जाऊंगा उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब दर्शन के बाद बहुत से लोग कहते थे आज बाबा ने मेरी तरफ देखा आज बाबा ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं उनसे मजाक करता था कि भाई बाबा तो सामने देख के हाथ घुमा देते हैं और आप लोगों को लगता है कि मेरे को आशीर्वाद दिया ये सब वहम बाजी है खैर मैं अपने लड़के की फ़ोटो लेके बैठा और पापा ने मेरे सामने से क्रॉस किया एक कदम मेरे को बल्कि क्रॉस कर चुके थे एकदम एक कदम पीछे लिया और मेरी तरफ़ देख के और फोटो को देख के ब्लेस किया चले गए जैसे उन्होंने ब्लेस किया उस एनक्लोजर में बहुत सारे लोग जो मेरे साथ बैठे हुए थे उन्होंने मेरे को हिला के कहा भाई बाबा ने तो आपको स्पेशली ब्लेस किया है बड़े किस्मत वाले हो भगवान ने ब्लेस किया है और ये सुन के मैं रोने लगा <laughs> रो इसलिए रहा था कि अगर ये भगवान है तो भगवान ने अगर देख के ब्लेस कर दिया तो उससे अच्छा क्या सौभाग्य हो सकता है मैं फिर से कहता हूं मैं अब उस टाइम तक उन्हें भगवान नहीं मानता था बट मैं रोने लगा और रोने में मेरे को इतना मजा आया कि मैं नहीं चाहता था कि मैं रोना बंद करूं दर्शन खत्म हुए हम अपने पार्टनर के यहाँ मिलते थे क्योंकि मेरे साथ बाकी फैमिली मेंबर्स भी होते थे वो सब मिले विस्की भी पीनी शुरू की और मेरे ब्रदर लॉ ने उस टाइम कहा कि ललित आज तुम्हारी तरफ़ बाबा ने देख के स्पेशली झुक के तुम्हें ब्लेस किया मैं फिर रोने लगा और उनके बाथरूम में गया और खूब दिल खोल के शायद दो तीन मिनट तक रोया और बड़ा आनंद आया चलो खैर घर आ गए घर आने के बाद रात को मैं उठा और उठ के मैंने अपनी वाइफ़ को कहा आज से मैं ड्रिंक और मीट खाना और विस्की पीना बंद कर दूँगा स्मोकिंग भी बंद कर दूंगा ड्रिंक तो एक ही चीज़ है स्मोकिंग भी बंद कर दूँगा एंड शी सेड चुपचाप सो जाओ ऐसे ही बोलते रहते हो बट नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन आई रिपीटेड एंड भगवान की इतनी कृपा है कि उसके और एक दिन बाद से और आज इक्यावन साल हो गए मैंने ये तीनों चीज़ों पे नॉट ओनली छोड़ दी कभी इच्छा भी नहीं हुई और सोचा भी नहीं कि मैं लूँगा या वो करूँगा बिल्कुल टोटली लाइफ चेंज हो गया उससे पहले मेरी लाइफ में जब ऑपरेशन हुआ था डॉक्टरों ने मना किया डॉक्टरों ने ख़ास कहा आपके लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती है मगर मैंने नहीं छोड़ी बट भगवान की कृपा से बगैर बाबा से बात हुए बगैर किसी बात के उनके आशीर्वाद से ही सिर्फ दर्शन से ही वो मेरा छूट गया छः आठ महीने बाद मेरे को हुआ कि मैंने ये तीनों चीज़ें छोड़ दी बाबा को तो पता ही नहीं है मैंने छोड़ दी तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया उन्हें पता नहीं लगा और मैंने ये छोड़ दी यू you नो know, उस उम्र में होता है तो जब सेवेंटी थ्री में बाबा आए मैं सीक्वेंस थोड़ा जंप कर रहा हूँ और ये विचार एक दो बारी मेरे मन में आया था कि बाबा को तो पता ही नहीं कि मैंने ये छोड़ी है अपनी तरफ से बहुत बड़ी कुर्बानी कर रहा हूँ तो मिस मिसेस रतन लाल जिन्हें हम ब्रिज आंटी भी कहते थे उनको स्वामी ने मैं ड्यूटी पे था स्वामी ने सडनली मेरी तरफ देखा और मिसेज रतन लाल को बोले ये लास्ट ईयर छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के पुटा पड़ती आया था पहले बहुत ड्रिंक करता भटअप नहीं? नहीं करता नाउ गुड बॉय तो आई फेल्ट सो हैप्पी, आई फेल्ट एज इफ आई अचीव्ड माय uh, गोल uh, क्योंकि बाबा को भी पता लग गया कि मैंने ये अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस किया है फिर ये सिगरेट वगैरह तो सब छूट गई थी और मैं भजन अटेंड करने लग गया था रेगुलरली और फिर हम अगस्त में 72 में पुटापर्ती गए 1972 uh, uh, में उस पर पहले दो तीन दिन तो बाबा ने बात नहीं की गए तो हम दो तीन दो तीन चार दिन के लिए ही थे मगर क्योंकि बाबा ने बात नहीं की तो हम बैठे रहे वहाँ जब बाबा ने चार दिन बाद इंटरव्यू पे बुलाया हमें तो मेरे को इशारा किया अपनी कुर्सी के पास बैठने के लिए हमारा पहला ओकेजन था इंटरव्यू का और उस टाइम मैं स्वामी को महाराज कहता था क्योंकि हमारे परिवार में जो महापुरुष होते थे उन्हें महाराज जी कहते थे तो मैं अभी वही बोलता था तो जब इंटरव्यू के लिए अंदर आए सारे तो स्वामी ने विभूति मटेरियलाइज करके सात आठ या दस लोग होंगे सबको विभूति दी बट मेरे को विभूति देने की जगह मेरे गले को रब करने लगे और उस टाइम मुझे अनुभव हुआ कि मैं ऑपरेशन के बाद उनकी फोटो को देख के प्रे करता था कि अगर आप भगवान हैं तो मेरे को मदद करें अगर आप भगवान हैं और आज आठ महीने के गैप के बाद जब मैं पहली बारी मिला हूँ इन्हें तो पता ही नहीं मेरे गले में ए, कोई प्रॉब्लम थी मगर ये उसको लिंक करते हुए और मेरे को रब कर रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं और मेरे को उस टाइम महसूस हुआ कि ये मेरी वो जो कहते हैं ना हज़ारों माँ का प्रेम है।, है हमने कभी तोला तो है नहीं मेजर तो किया नहीं उस टाइम महसूस हुआ कि ये मेरी माँ हैं या मेरे भगवान हैं और मैं मीटिंग रूम में ही जब वो रब कर रहे थे दोनों चीज़ को लिंक करते हुए मैं रोने लगा खुशी के मारे